नमस्कार, मेरा नाम रोहित तिवारी है और आप देख रहे हैं इंडिया हॉट टॉपिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाइना के वुहान शहर में कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और बात सिर्फ वुहान शहर की नहीं है, वुहान शहर के अलावा बीजिंग और हांगकॉन्ग में भी ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, जिस वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी हो चुकी है उधर। तो आखिर ये कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस वायरसों का एक बहुत बड़ा समूह है जो लोगों के शरीर में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये बीमारी सांप और चमगादड़ खाने की वजह से होती है, और जो लोग कोरोना वायरस से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, अगर वो अन्य लोगों के कॉन्टैक्ट में आ जाएं, तो उनको भी इसका असर देखने को मिलता है। इसी वजह से वुहान के सारे मीट मछली के दुकानों को बंद कर दिया गया है, और जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित थे उनको एक कमरे में बंद करके रखा गया है, और सिर्फ डॉक्टर्स को ही वहाँ जाने की परमिशन है उनके इलाज के लिए। अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट हुआ है कि 5 फरवरी 2020 को वुहान में 2 नए अस्पताल बनाए जाएंगे, जिसमें 1300 से ज़्यादा बेड्स लगाए जाएंगे कोरोना वायरस के इलाज के लिए। इसका असर इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत केरला और महाराष्ट्र से कब का हो चुकी है। अभी हाल ही में खबर आई है कि बिहार की राजधानी पटना में भी इसके आसार देखने को मिले हैं। वैसे आपको बता दें, इसकी कोई वैक्सीन अब तक तैयार नहीं हुई है, क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है कि जल्द से जल्द इस पे काम करना ज़रूरी है, वरना काफ़ी दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। वैसे तो इस बीमारी की शुरुआत खांसी और जुकाम से होती है, पर अगर इसका टाइम पे इलाज ना किया गया या डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, तो ये हार्ट अटैक में भी तब्दील हो सकता है, जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है। वुहान को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, और वहाँ से सारी आने जाने फ्लाइट्स को पूरा रद्द कर दिया गया है, जिस वजह से वहाँ के जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे फंस गए हैं, और फ्लाइट्स रद्द होने के कारण इंडिया नहीं आ पा रहे हैं। ये वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है, और अपने आप को बचाए रखने के लिए हमेशा फेस मास्क और हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करें, हाथों को साफ रखें, अपने शरीर को भी साफ रखें, और जब तक ये मामला पूरा सुलझ नहीं जाता, मांस मछली का सेवन ना करें, क्योंकि अगर ये बीमारी चाइना में हो सकती है तो इंडिया तो उसका पड़ोसी देश ही है। तो आखिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और हर एक वीडियो का मजा लीजिए।